बंगाली व्यूअर्स को शुभ शारदीया। और आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं दुर्गा पूजा देखने। तो लास्ट ईयर भी आप लोगों को लेके गए थे सेम जगह, इस बार भी जा रहे हैं। आज सप्तमी है और हम लोग आज सेलिब्रेट करेंगे दुर्गा पूजा। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसा होता है यहाँ का दुर्गा पूजा। और जाते जाते फाइनली थोड़ा बहुत फॉल कलर हम लोगों को देखने मिला। इस बार काफ़ी लेट आया है फॉल कलर। लास्ट ईयर मुझे याद है जब हम लोग दुर्गा पूजा में गए थे तब ऑलमोस्ट 8 अक्टूबर को था और ऑलमोस्ट चारों तरफ फॉल कलर आ गया था, लेकिन इस बार अक्टूबर ख़त्म होने आया है लेकिन देख सकते हैं काफ़ी कम कलर आया हुआ है। तो खैर हम लोग लगभग 12:30 के आसपास टेम्पल पहुंच गए थे। तो टेम्पल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो पूजा होता है ये टेम्पल में ही होता है। तो चलिए पहले अंदर जाते हैं, माँ दुर्गा का दर्शन करते हैं। तो हम लोग जब तक पहुंचे थे पुष्पांजलि वगैरह हो गया था, तो हम लोग माँ का दर्शन करने के बाद डायरेक्ट लंच के लाइन में लग गए। और इंद्राणी और मीनाक्षी लोग पहले ही आ गए थे तो हम लोग भी उन लोगों के साथ फिर लंच के लिए खड़े हो गए थे। और लंच में काफ़ी कुछ था, जैसे हम लोग बंगाली लोग जो दुर्गा पूजा होता है हम लोग अष्टमी के दिन यूजुअली खिचड़ी खाते हैं और सब वेज खाना रहता है। तो उस दिन भी सप्तमी था लेकिन मना रहे थे हम लोग अष्टमी की तरह, तो खिचड़ी था, थोड़ा सा सब्जी था उसके साथ, थोड़ा सा हम लोग बैंगनी बोलते हैं, बैंगन से बनता है, बेगुनी बोलते हैं उसको, और थोड़ा सा मिठाई था, चटनी वगैरह था। तो बस वो सब लेके फिर हम लोग थोड़ा जगह वगैरह ढूंढने लगे। और जैसे कि मैं बोली के मीनाक्षी लोग भी पहले से आ चुके थे तो वो लोग थोड़ा बहुत जगह रखे थे, तो बस हम लोग वहाँ जाके फिर बैठ के आराम से खाना वगैरह खा लिए थे। तो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींच लिए, क्योंकि साल में एक ही बार दुर्गा माँ आती है और उसके इसलिए हम लोग मेमोरी के तौर पे फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, सब कोई फ़ोटोज़ ले रहे थे। और जैसा कि मैं बता रही थी ना कि ये टेम्पल में होता है, तो यहाँ पर एक्चुअली जो भी दुर्गा पूजा होता है US में या तो स्कूल वगैरह यहाँ पर रेंट में लिया जाता है और उसके ऑडिटोरियम में होता है, या फिर जो छोटा पूजा होता है वो ऐसे टेम्पल वगैरह में होता है। तो जो भी बड़े बड़े सिटीज़ में पूजा होता है जैसे शिकागो, कैलिफोर्निया, टेक्सस, न्यू जर्सी, ये सब जगह में जो पूजा होता है वो सब स्कूल वगैरह रेंट करके होता है, लेकिन वो सब स्कूल वगैरह में रेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है। लाइक मैं बता सकती हूँ आप लोगों को 4,000 से 5,000 डॉलर भाड़ा लगता है। तो ये जो पूजा है ये एक जो कॉलेज स्टूडेंट लोग हैं यहाँ पे, पार्डी यूनिवर्सिटी है, वो लोग मिलके मनाते हैं। तो ये पूजा काफ़ी एक छोटा सा पूजा है इसलिए बजट उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक जो टेंपल है वही टेंपल के अंदर ये पूजा किया जाता है, काफ़ी अच्छे से वो लोग करते हैं। और जो दुर्गा माँ देख रहा है वो कोलकाता से आया हुआ है और ये सालों हर साल यही मूर्ति को पूजा किया जाता है। इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो भी मैं आप लोगों को जल्दी बताऊँगी। तो बस हम लोग थोड़ा बहुत जैसे मैं बताई फ़ोटो वगैरह खींचे, उसके बाद यहाँ के जो मेयर थे वो आ गए थे। तो मेयर के साथ जो खड़े हैं रेड कलर का कुर्ता पहन के, तो वो है इस पूजा को स्टार्ट किए थे और लगभग 17 सालों से वो ये पूजा कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये हंसमुख इंसान है और देख सकते हैं कितना अच्छे से डांस भी कर रहे हैं। तो हर साल जब भी मेयर आते हैं तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि हम लोगों को पूजा के लिए एक बिल्डिंग चाहिए, क्योंकि ये जो दुर्गा पूजा होता है ये टेम्पल में होता है और टेम्पल में बहुत ज़्यादा जगह नहीं रहता है, तो उतना ज़्यादा बहुत बड़ा करके ये पूजा हो नहीं पाता है। स्टिल बहुत अच्छा लगता है और देख सकते हैं कि कल्चरल जो प्रोग्राम वगैरह है वो भी स्टार्ट हो चुका था उसके बाद। तो यहाँ पे बच्चे लोग भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सारा, ईशान और नंदिनी आप लोग तो पहले ही मिले हुए हैं इन लोगों से, और उसके साथ साथ एक और छोटी सी बच्ची थी वो भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, वो लोग भी डांस कर रहे थे और हम लोग भी बैठ के थोड़ा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे थे लंच के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि मैं बता रही थी कि मैक्सिमम यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट सब है जो पार्डी यूनिवर्सिटी है, और वही लोग मिल के ये
जो दुर्गा पूजा है इसको अरेंज करते हैं, तो काफ़ी अच्छे से वो लोग अरेंज करते हैं। तो हम लोग कोलकाता में इस टाइप के पूजों का एक्चुअली पाड़ार पूजो बोलते हैं, जो लाइक एक लोकेलिटी में होता है। तो इस टाइप के पूजा वगैरह में जैसे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो हमारे बच्चे लोग भी पार्टिसिपेट किए थे, जैसे ईशान भी पार्टिसिपेट किया था और सारा भी। चलिए देखते हैं वो लोग क्या परफॉर्म किए। तो ईशान को तो आप सब जानते ही होंगे, इंद्राणी का बेटा, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और बहुत अच्छा सा वो एक पोएम है, बंगाली पोएम है, वो उसी को परफॉर्म किया, काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस किया था। और उसके बाद और कुछ डांस परफॉर्मेंस हुआ और फिर सारा भी गायत्री मंत्र बोली थी। तो चलिए वो भी देखते हैं कि सारा कैसे बोली और ये डांस परफॉर्मेंस भी थोड़ा देख लेते हैं। जोर से जोर से तो सारा काफ़ी शर्मा रही थी। और घर में तो डेली वो गायत्री मंत्र बोलती है, तो हम लोगों को मन था कि थोड़ा बहुत उसका जो स्टेज का डर है वो हट जाए, और हम लोग चाह रहे थे वो भी स्टेज में उठ के कुछ परफॉर्म करे। तो इस तरीके से कुछ स्टूडेंट्स और कुछ हमारे जैसे फैमिली आते हैं और जो ये कल्चरल प्रोग्राम होता है ये कंटिन्यू होता रहता है। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत क्विज़ वगैरह भी हुआ था और काफ़ी मस्ती मजाक हुआ था उसमें भी, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था क्विज़। उस दिन का वेदर काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल भी बादल नहीं था और टेम्परेचर भी उतना कम नहीं था कि ठंड भी नहीं लग रही थी। तो हम लोग सोचे थोड़ा बहुत बाहर इधर उधर देख के आते हैं। और जैसे मैंने बोला पार्डी यूनिवर्सिटी, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है एक्चुअली नील आर्मस्ट्रांग के वजह से। तो नील आर्मस्ट्रांग तो सब लोगों को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है मैं बताना चाहती हूँ, जो पहली बार चांद में गए हैं वही है नील आर्मस्ट्रांग, और वो ये पार्डी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं। तो वो ये जो टेम्पल था यहाँ से बहुत ही पास में था, तो हम लोग वहीं पे थोड़ा सा देखने गए थे। काफ़ी टाइम था हाथ में और शाम का पूजा स्टार्ट होने में, तो आसपास देख सकते हैं बहुत सुंदर फॉल कलर यहाँ पे भी आ गया था। और यही था जो मैं बता रही थी जहाँ पे वो पढ़ाई किए हैं नील आर्मस्ट्रांग। तो बस हम लोगों का मन था कि थोड़ा बहुत हम लोग आसपास घूम के देखें, लेकिन कहीं पे पार्किंग नहीं मिल रहा था, तो बस वहाँ से फिर हम लोग निकल गए। और एक्चुअली शाम के लिए हम लोग थोड़ा बहुत ड्रेस वगैरह ले गए थे, तो वो भी हम लोग चेंज कर लिए थे। फिर मैं और सारा चली गए थे, एक वहाँ पे था चेंज करने का जगह, और फिर हम लोग वापस आ गए थे। और फिर शाम का जो पूजा है वो स्टार्ट हो गया था। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि ये पूजा एक ही दिन में स्टार्ट होता है और एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। जैसे जो भी सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन हम लोग पूजा वगैरह करते हैं वो सब एक ही दिन में हो जाता है। विसर्जन भी सेम डे ही हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? एक तो है जगह की कमी होता है, दूसरा है टाइम का कमी। तो जैसे कि ये पूजा हम लोग जहाँ पे जाते हैं यहाँ ये टेम्पल में होता है, तो टेम्पल एक ही दिन के लिए मिलता है। और क्योंकि ये स्टूडेंट लोग मिलके करते हैं तो उन लोगों को सैटरडे संडे छुट्टी होता है, इवन जितने भी लोग ऑफिस जाते हैं उनको भी सैटरडे संडे छुट्टी होता है, इसीलिए एक ही सैटरडे को ही बेसिकली पूजा रखा जाता है। और जो भी बड़े बड़े सिटीज़ में पूजा होते हैं वहाँ पर फ्राइडे से पूजा स्टार्ट होता है, फ्राइडे इवनिंग से, और सैटरडे संडे दो दिन रखा जाता है, क्योंकि वो सब जगह में स्कूल
भाड़ा किया जाता है संडे तक का। और हम लोग क्योंकि ये टेंपल में हुआ था तो ये टेंपल को साफ भी करके जाना होता है। यहाँ पे ऐसा है, अगर आप कहीं पे भाड़ा लिए है कोई भी चीज़ का तो आप ही को उसको क्लीन करके जाना है। तो खैर, पूजा, शाम का पूजा भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, उसके बाद धुनुची नाच जो हम लोग बोलते हैं वो स्टार्ट होने वाली थी, तो बस उसी का तैयारी चल रहा था। दुर्गा पूजा में जब तक ढाक ना बजे तब तक मज़ा नहीं आता है, तो लास्ट ईयर से यहाँ पे ढाक का भी इंतज़ाम किया गया है, तो ढाक भी बजता है और एक तरफ धुनुची नाच जो लेडीज़ लोग मिलके करते हैं और दूसरी तरफ भगवान जी का आरती होता रहता है, तो काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है शाम को, बहुत ही सुंदर लगता है वो देखने में। और यहाँ पे आप लोग जो दुर्गा माँ का मूर्ति देख रहे हैं वो एक्चुअली जो कोलकाता का फेमस कुमोटुली है वहीं से आया हुआ है, और शायद पिछले 2 साल से यही दुर्गा माँ का यहाँ पे पूजा हो रहा है। तो यहाँ एक्चुअली काफ़ी दूर से, क्योंकि दुर्गा माँ आती है और 45 दिन का सफ़र तय करके उनको यहाँ पहुँचना पड़ता है, काफ़ी सारा कस्टम का प्रोसेस रहता है, इसीलिए हर साल क्या किया जाता है, सेम प्रतिमा को हम लोग पूजा करते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि हर साल नया प्रतिमा हम लोग इंडिया से मंगाए, तो इसीलिए जो दुर्गा माँ है उनका जो विसर्जन होता है पानी में नहीं होता है, बस उनको थोड़ा सा सामने से खींच दिया जाता है और उसी तरीके से विसर्जन हो जाता है और अगले साल फिर से इनको पूजा किया जाता है। और इनको कहाँ रखा जाता है, एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोरेज का जगह रहता है, स्टोरेज रूम टाइप का, तो वहाँ पे इनको 1 साल रखा जाता है और फिर से जब अगला साल दुर्गा पूजा आएगा फिर से माँ को बाहर निकाला जाएगा और पूजा किया जाएगा। तो इसी तरीके से US में ऑलमोस्ट हर जगह में पूजा होता है। और यहाँ पे पंडाल अगर देखेंगे तो पंडाल भी बहुत ही कम होता है, क्योंकि पंडाल वगैरह बनाना जो है वो भी एक आर्ट होता है, और यहाँ पे जो लोग अमेरिकन हैं उनको वो ऐसा बनाना आता नहीं है जो हमारे साइड में बनता है पंडाल वगैरह, और यहाँ पे जो चार्ज है लेबर का वो भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे पंडाल भी नहीं बनता है यूजुअली, इसी तरीके से हॉल के अंदर ही मैक्सिमम जगह पूजा होता है। हाँ, कोई कोई जगह में लोग करते हैं, पंडाल नहीं बना पाते लेकिन उस तरीके का कुछ बनाने का कोशिश करते हैं जहाँ पे जगह रहता है, लेकिन वो भी अगर जैसे हमारे ही जैसे कुछ लोग अगर उनको वो चीज़ बनाना आता है तो जैसे यहाँ पे लकड़ी वगैरह मिलता है उससे बनाते हैं, क्योंकि बांस से तो यहाँ पे बनता नहीं है, बांस वगैरह शायद यहाँ पे उस तरीके से अवेलेबल नहीं होता है, तो लेकिन बहुत टफ होता है, वैसा आना चाहिए किसी को बनाना तभी वैसा कुछ बन पाता है, लेकिन यूजुअली इसी तरीके से अगर टेम्पल में जगह मिलता है या फिर स्कूल वगैरह में इस तरीके से ही अमेरिका में पूजा होता है। तो बस देखते ही देखते पंडित जी देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से ये पूजा करते हैं, इवन ये भी एक स्टूडेंट है और ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है 3 साल हो गया है इनको दुर्गा पूजा करते हुए, काफ़ी अच्छा काफ़ी सुंदर पूजा करते हैं। अब बस देखते ही देखते फिर माँ को विदा करने का समय भी आ गया और हम लोग यहाँ पे आखिर में जो करते हैं माँ को बौरन करते हैं, उसके बाद सिंदूर खेलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सिंदूर खेला बोलते हैं उसको। तो खैर, मैं तो दुर्गा पूजा जैसे मैं बोली तो कर नहीं पाऊँगी, तो बौरन तो नहीं कर पाई माँ को, लेकिन हाँ सब मिल के हम लोग सिंदूर वगैरह खेले, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग सब खेल रहे थे। बस आखिरी बार के लिए फिर से माँ को अच्छे से देख ले रहे हैं, फिर से 1 साल का वेट करना पड़ेगा माँ को देखने के लिए, और बस हम लोग वहाँ से फिर निकल गए थे। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 6:30 बज गया था के आसपास हम लोग निकल गए थे, क्योंकि वहाँ से फिर हम लोगों को जहाँ डिनर का
जो अरेंजमेंट था वो दूसरे जगह में किया गया था, जो मैं बोली पहाड़ी यूनिवर्सिटी वहीं पे बगल में ही था, तो वहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ा। और ठंड थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही थी, टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा था और देख सकते हैं लाइन बाहर तक थी, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी शाम को। और डिनर के लिए देख सकते हैं ये जो अरेंजमेंट है यहाँ अंदर किया गया है और लाइन काफ़ी लंबी है। तो मुझे याद है लास्ट ईयर काफ़ी देर हम लोगों को वेट करना पड़ा था और काफ़ी रात भी हो गई थी, ऑलमोस्ट 8 बज गई थी, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है और हम लोग टाइमली आ गए थे डिनर के लिए। और क्योंकि ऑलमोस्ट सेवन ओ क्लॉक लग बज गया था हम लोगों को लाइन में खड़े होके, तो हम लोग सोचे कि यहीं पर डिनर कर लेते, हम लोग का डिनर टाइम हो भी गया था। तो एक्चुअली चिकन मटन दोनों का ऑप्शन था, क्योंकि जैसे मैं बोली कि अष्टमी नवमी सब एक ही दिन मनाया जाता है, तो नवमी के दिन हम लोग नॉनवेज खाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे उस टाइम पे मंदिर के अंदर नॉनवेज नहीं अरेंज किया गया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे डिनर के लिए। और डिनर में काफ़ी सारा ऑप्शन था, पुलाव था और रोटी था, नान था, चिकन और मटन दोनों ऑप्शन था, कोई भी आप ले सकते हैं, उसके साथ दाल था, पनीर था, गुलाब जामुन, मिष्टी दोई और चटनी, तो बहुत सारे ऑप्शन थे। और हम लोग वहीं पे बैठ के बहुत अच्छे से वहाँ पे डिनर वगैरह कर लिए थे और थोड़ा बहुत फिर बैठ के गपशप किए, और लगभग मुझे लगता है 8 बज रहा था और हम लोग फिर वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गए। तो बस इसी तरीके से हमारा जो इस साल का दुर्गा पूजा है काफ़ी अच्छे से बीत गया। तो बस वीडियो को भी मैं आज इसी के साथ यहीं पे एंड करूँगी। तो होप आप लोगों को जो अमेरिका में ये दुर्गा पूजा है, हमारा जो ये सेलिब्रेशन है, अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में जो भी नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।